हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैंने रिसेंटली टैक्स के क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन किया था और उम्मीद करते हैं कि वो आपको अच्छा लगा होगा। आज मैं आप लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के सभी टैक्स के क्वेश्चन ट्रिक से बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि रेशियो क्या होता है। तो रेशियो समझने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं ए अपॉन बी, एक फ्रैक्शन लेते हैं ए अपॉन बी, ए बटी बी पहले से आप जानते हैं। इसे हम यहाँ पे ए और बी का अनुपात कहते हैं या पढ़ते हैं, और इसे हम ए रेशियो बी के रूप में भी लिख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अब हम कुछ प्रोपोर्शनल का जो पार्ट है ये नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अभी रेशियो के जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो आपको बताया जा रहा है। तो टाइप अब एक क्वेश्चन ने लिया है ए रेशियो बी इक्वल टू 5:9, बी रेशियो सी इक्वल टू 6:1। तो हमें फाइंड करना है ए रेशियो सी और ए रेशियो बी रेशियो सी, यहाँ पे 11 है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सोल्यूशन देखिए इसका। ए रेशियो बी इक्वल टू 5:9 है, इसे ऐसे लिख लीजिए ए अपॉन बी। अभी मैंने जस्ट बताया जैसे ऐसे भी लिखा जा सकता 5:9, इसी इक्वेशन में बना लीजिए। सेकंड बी रेशियो सी, बी रेशियो सी इक्वल टू 6:11, इसे बी अपॉन सी इक्वल टू 6:11 ऐसे लिख लीजिए, इक्वेशन टू हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले इक्वेशन का दूसरे इक्वेशन में। तो इधर का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए अपॉन बी मल्टीप्लाई b upon c equal to 5/9 into 6/11। अब इस b से b कैंसिल हो गया तो मिल गया a upon c equal to, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 30, और इसका कर लेंगे तो ये हो जाएगा 99। तो a upon c equal to मिल गया 30/99। तो इसको हम लिख सकते हैं a ratio c equal to 30:99। ये आप इस तरीके से जो है जब भी ए रेशियो बी या बी रेशियो सी दिया हो और हमें ए रेशियो सी या बी रेशियो सी जो भी दिया हो, तो इस तरीके से हम इस फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है आपको ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड आउट करना सिखाने जा रहे हैं। अब आप देखिए हमें ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ए रेशियो बी इक्वल टू, इसके कई तरीके हैं, सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे लिख लीजिए। इसके बाद बी रेशियो सी दिया हुआ तो बी नीचे लिख लीजिए, जो कॉमन है रेशियो सी हो गया इक्वल टू। अब ये जो b की वैल्यू है ये यहाँ पे लिखी जाएगी, तो यहाँ पे 6:11 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके दो तरीके हैं, तो पहला दो तीन तरीके हैं, तो पहले मैं आसान तरीके से इसको सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। एक प्लेस यहाँ बच गया, एक प्लेस यहाँ बच गया। तो हम क्या कर लेते हैं कि इस प्लेस पे किसको रखेंगे, जो इसके करीब है, तो 9 करीब है, तो यहाँ पे हम 9 लिख लिया। इसके पास करीब कौन है, 6 है, तो हमने यहाँ 6 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको ए रेशियो बी कॉमन एक बार भी रेशियो सी इक्वल टू अब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 99, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, 3 से इसको कट करके सॉर्ट कर सकते हैं, और तो 3 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 33। तो आपको मिल गया ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 10:18:30। टाइप फर्स्ट के एक क्वेश्चन और हमने ले लिया है, ए रेशियो बी इक्वल टू 7:9 एंड बी रेशियो सी इक्वल टू 1:5। यहाँ पे भी हमें ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, तो पहले जैसा हमने किया था वैसे करते हैं, फिर एक तरीके से और करते हैं इसको। तो हमने लिख लिया 7:9, अब यहाँ बी इसमें कॉमन है, इसमें बी है, तो इसके नीचे लिख लेते हैं रेशियो सी इक्वल टू 1, हमेशा इसके नीचे लिखा जाएगा, और 5 यहाँ हो गया। अब एक प्लेस यहाँ बचा, एक प्लेस यहाँ बचा, तो हम क्या लिखेंगे इसके जगह, जो इसके बहुत करीब है, तो 9 करीब है, 9 लिख दिया। इसके करीब क्या है, 1 है, तो 1 लिख दिया। अब दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया पहले इसको लिखिए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू हो जाएगा 7:7:9, इसका उससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई, तो 45 हो गया। ये आपका मिल गया ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 7:9:45। एक तरीके से और बता देता हूँ, अब देखिए एक तरीके से और बताता हूँ उसको।
इक्वल टू रेशियो 9, और जैसे लिखना था ऐसे लिख लीजिए इसको यहाँ पे बी रेशियो टी इक्वल टू 1:5। अब हम क्या कर लेते हैं, यदि इसको इक्वल कर लें दोनों को तब भी हम कर सकते हैं। तो इक्वल करने के लिए कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी भी अंक से या नंबर से। तो हम क्या कर लेते हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 1 है, हम कैसे इसको जो है इक्वल कर सकते हैं। तो हम इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें हम कर देते हैं मल्टीप्लाई 9 से। तो ये हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7:9 होगा, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और रेशियो ये हो जाएगा 45। अब इसको हम लिख लेते हैं ऐसे 7:9 इक्वल है तो 9 इक्वल ये 45। देखिए आंसर सेम था, पहले तरीके से जो किया था उसमें भी हमारा 7:9:45 आया था, इस तरीके से भी इतना आया है। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं और उस तरीके से भी इसको सॉल्व आप कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखिए किस तरीके से है कि 1/x / 1/y / 1/z = 2:3:5 दिया है और हमें फाइंड एक्स वाई जेड करना है। बहुत इजी, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे ऐसे लिख लीजिए उल्टा करके, उल्टा कर देंगे सबको। तो सबको जब ऐसे करेंगे तो ये भी उल्टा हो कैसे आएगा, जब ये ऐसे आएगा तो ये कैसे आएगा, ये 1/1 करके आएगा ऐसे आएगा। पहला इस पे ये है, पहले आप ऐसे कर लीजिए, यदि ऐसे दिया हुआ है इस टाइप क्वेश्चन में, यदि अपॉन एक्स वाई जेड है तो इसको जब उल्टा करेंगे तो ये भी ये रेशियो भी उल्टा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसे ये चूंकि ये फ्रैक्शन में है तो हमें यार इसे बदलना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम ऐसे जो है ऐसे में मल्टीप्लाई करते हैं सभी में, या फिर हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये 2, 3, 2, 3, 5 से वो कट जाए। तो हम यहाँ पे 30 से, ठीक है, 30 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं इसमें भी, और 30 से इसमें भी कर दिए, और 30 से इसमें भी कर दिए, देखिए 30 से सब कट जाएगा। हम 60 से भी कर सकते थे, तो अब इसे कैंसिल हो गया, ये हो गया 15, ये कट गया, ये हो गया 10, और ये हो गया 6। तो ये आपका 15, 10, 6, अब ये किसी से कैंसिल नहीं होने वाला, शॉर्ट नहीं होने वाला, तो ये आपका आंसर हो गया। अब ये देखिए टाइप थर्ड में क्या है, a/3 = b/4 = c/5, और हमें करना है फाइंड a/c। बहुत इजी है, यदि हम a/b/c यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 3, 4, 5। जब ऐसे देखिए आपको a = 3 = b/4 = c/5, तो आप a/b/c निकालना है, तो ये जो वैल्यू है नीचे दी हुई है उसको ऐसे लिख दीजिए, बस कुछ करना ही नहीं है, 3, 4, 5 आपका ही आंसर हो गया। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखिए, 2a = 3b = 4 से दिया है और हमें फाइंड करना है a/b/c, ठीक है। तो कई तरीके इसमें सॉल्व करने के हैं लेकिन हम बहुत शॉर्ट तरीके से बताने वाले हैं। तो हमें a/b/c निकालना है, हम लिखेंगे a/b/c = अब सबको हम ऐसे करके लिखेंगे 1/2 / 1/3 / 1/4 ऐसे लिखेंगे। जब भी ऐसे दिया हो इसको 1/2 / 1/3 / 1/4 जब इक्वल दिया हो, अब इसके बाद हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 12 से 2, 3, 4 सब कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये आपका आंसर हो गया। अब आप यहाँ देखिए a/b/c = 4:7:11, b/c/d = 21:33:44, और हमें निकालना है a/b/c/d। अभी तक हमने a/b/c निकाला है, अब यहाँ पर निकालना है a/b/c/d। तो उसी तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं a/b/c = 4:7:11, उसके बाद कॉमन क्या है bc इसके नीचे, c इसके नीचे, और d यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू। अब b और c है तो इसके नीचे लिखेंगे 21:33:44। अब हम यहाँ पे इन दोनों को जैसे ये 7 और 11 है, यहाँ पे 21 और 33 है, यदि हम इसको इक्वल कर लें, इसको बना लें, इन दोनों को इसके जैसा बना लें, तो हम आसानी से इसको कर सकते हैं। बनाने के लिए क्या होगा, हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा इसमें, और इसमें कितने से करना होगा 1 भी। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ हमको इस तरीके से मिलेगा, सबसे पहले
12, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 33। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 सेम कर रहेगा 33 और 44। और यहाँ पे आपका हो गया ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी इक्वल टू हो जाएगा, इसको भी चेंज कर लीजिए। तो 12 रेशियो कॉमन है तो एक बार, कॉमन है तो एक बार, ये आपका उस तरीके से ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, सेम कर लीजिए। अब देखिए टाइप हमारे चेंज हो गए हैं, टाइप फिक्स हो गया। यदि a अपॉन 3 इक्वल टू b अपॉन 4 इक्वल टू c अपॉन 7, तो हमें a प्लस b प्लस c डिवाइड बाय c क्या करना है। अब हमें रेशियो को निकालना है, तो और ये दिया हुआ है, इसको हमको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, बहुत इजी है, बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं, बिना इसको रेशियो बदले, बिना रेशियो इसको बदले, ठीक है। a प्लस b प्लस c अपॉन c, a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है 4 और c की वैल्यू क्या है 7, और फिर c 7 रखेंगे। अब इसको ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 14, तो जो 7 डिवाइड करते हैं, तो ये तो आपका आंसर होगा। ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ भी इस तरीके का टाइप 7 में इसी क्वेश्चन लेंगे, रेशियो भी इक्वल टू 5 से 7 लिया हो, तो 3a + 5b रेशियो 5 - 2b हमें फाइंड आउट करना है, इसकी पूरा वैल्यू सॉल्व करना है, इसको तो सॉल्व करना, सॉल्व वैल्यू निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, सेम तरीके से a 5 a 5 को हम लिखेंगे यहां 3 * a की जगह 5 लिखेंगे प्लस 5b की जगह क्या लिखेंगे 7 रेशियो 5 a की जगह पे 7 और b की जगह पे हम लिखेंगे सॉरी a की जगह पे हम लिखेंगे 5 और b की जगह पे हम लिखेंगे 7। अब इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, ये हो गया 15, ये हो गया 35, ये हो गया 25, ये हो गया 40। अब इसको ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 50 और इसमें इसको माइनस कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा, तो आपका आंसर हो गया 15:11। अब आप देखिए टाइप नंबर 8 में a रेशियो b इक्वल टू 3:4 एंड b रेशियो c इक्वल टू 4:7, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा और a रेशियो b रेशियो c निकालना होगा, जो कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, दो तरीके से बताया था। तो एक आसान तरीके से मैं इसको करने जा रहा हूँ, ए रेशियो बी इक्वल टू हो जाएगा 3:4, इसके नीचे लिख दीजिए बी को रेशियो सी लिख दीजिए, अब 4 यहाँ पे आएगा और 7 यहाँ पे आएगा। अब देखिए कॉमन हो गया, सेम सेम हो गया, तो बस इसको आसानी से लिख दीजिए 3:4:7, तो हमको मिल गया ए रेशियो बी रेशियो सी 3:4:7। अब इसको आसानी से निकाल सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई सी, अब वैल्यू रख दीजिए पुट करिए, ए की जगह पे 3, b के जगह पे 4 और c के जगह 7 और c के जगह पे 7 हो जाएगा। इसको ऐड कर लीजिए, हो जाएगा 14/7 इक्वल टू 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप नंबर 9, ₹675 को a और b में 5:4 के अनुपात में बांटिए। अब पैसे को हमें दो लोगों के बीच में या तीन लोगों के बीच में किसी रेशियो में डिवाइड करना हो, तो इसका एक छोटा सा आसान तरीका है, आप ऐसे जो है बांट सकते हैं। सबसे पहले a का भाग 2 है, a रेशियो b है, a रेशियो b दिया हुआ है 5:9, तो हमें a का भाग निकालना है, a का भाग, a को कितना रुपया मिला, तो सबसे पहले रुपया ले लेंगे 775, उसके बाद a का कितना भाग है 5 और कुल भाग कितना है 9 हो गया। अब इसको इससे कैंसिल कर लेंगे, तो जब 75 और 75 में जब 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 375 रुपये। ए का भाग हो गया, बी का भाग इसी तरीके निकाल सकते हैं, बी का भाग बराबर हो जाएगा पहले पैसा 675, अब बी का कितना हिस्सा है, कितना भाग है 4 और टोटल कितना है 9, इससे इससे कैंसिल हो गया 75 आ गया, अब 75 का मल्टीप्लाई 4 में कर लेंगे तो ये हो जाएगा 300 रुपये, मतलब ए को 375 रुपये और बी को 300 रुपये मिलेंगे जब बांटेंगे। अभी देखिए टाइप नंबर 10 है, यदि ए बी से 40% अधिक हो तथा बी सी से 20% कम हो, तो ए रेशियो बी रेशियो सी हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें ए बी से 40% बी नहीं पता है और बी कह रहा है सी से 20% कम, हमें सी नहीं पता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ए बी सी पर लिख लेंगे और सी पर 100 लेके चलेंगे, परसेंटेज इसलिए 100 लेके चलेंगे। अब कह रहा है कि 20% कम है, कितना बच गया 80, या फिर हम 100 में से 20 भी माइनस करेंगे तब भी 80 आएगा। अब कह रहा है कि जो ए है वो बी से 40% अधिक है,
इसका मतलब हम कैसे निकालेंगे, ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 80 40 से अधिक है तो 140 घंटे का, राइट 140 घंटे का, तो कितना हो जाएगा 80 कूड़े 140 बटे 100 से कट गया, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 112 आ जाएगा, इसका मतलब जो है ए है वो 112 है। अब इसको हम सॉर्ट करेंगे, कैसे सॉर्ट करेंगे, टू से इसको, टू से ये भी, टू से ये सब टू से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 50, अभी भी कट सकता है, दो से इसको काट लेते हैं और तो ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 25, अब ये किसी से नहीं कटेगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हो गया, ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू हो गया 28, ये हमारा आंसर हो गया। तो मैंने जो है रेशियो के सभी टाइप के क्वेश्चन आज बता दिए, मैं प्रोपोर्शन और भी प्रोपोर्शन के सभी टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और मैं यही उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, और आगे जो भी वीडियो अपलोड होंगे वो भी आपको पसंद आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।